जाएगा और मॉइस्चर के अब्जॉर्ब करने लायक को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इन प्लांट्स के ऊपर हम पीरियोडिकली एक स्प्रे भी करते हैं जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खास मिकदार में शामिल होते हैं, वो स्प्रे करते हैं, फ्लावर बड़े खूबसूरत इसमें आते हैं। आपने शायद देखा हो HEGM में डॉक्टर सैफुल्लाह साहब की लैब है जो कि सीकल्चर के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने हज़ारों की तादाद में या फिर लाखों में होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा वो है ग्रीन हाउस में सिर्फ ऑर्किड्स पड़े हैं और वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। स्पेशल बात यह खूबसूरती के अलावा कि अगर इसको हम कट फ्लावर की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो ऑफिस में या घर में ये आराम से एक महीने चल जाएंगे और हरा और महंगी भी है ऑर्किड्स। अच्छा यहाँ ये एक स्पेशलाइज्ड फन है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे वो हर्ट शेप गैमेटोफाइट वगैरह ये वो एडियंटम के पैलेस बनारस है। अच्छा ये कीर्तन रेंज में मौजूद है। वैसे तो हॉट मौसम है वहाँ का लेकिन कुछ झरने वरने मौजूद है वहाँ पे तो जहाँ मॉइस्चर या शेडेड एरियाज होंगे वहाँ पर ये पौधे आपको नज़र आ जाते हैं। कराची में कॉमनली अवेलेबल नहीं होते। बाद जगह लिटरेचर में पढ़ते हैं कि जनाब करली साइड पर साइड पे मौजूद है। करली भी हम बहुत दफा गए मुझे कभी नज़र नहीं आया। मुल्ला चटू एक वो है पिकनिक पॉइंट वाली जगह है तो वहाँ ही अच्छे खासे मौजूद है और अगेन वहाँ मॉइस्चर है पानी आ रहा है तो उस शेड के अंदर कितने शेड में बहुत होते हैं के बड़े बड़े दरख्तों के शेड में। हाँ बड़े दरख्त के शेड में भी होते हैं जहाँ शेड मॉइस्चर मिलेगा ये ग्रो करेगा और इसके अलावा जब